रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही है, लिहाजा कार्यकर्ताओं में खुशी है। ये तस्वीरें देखिए, सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एनडीए अब निर्णायक जीत की ओर, सुनीता चौधरी 36,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अब शुरुआत से ही ये चीजें नजर आ रही थी और अब ये तस्वीर जो है वो लगभग आरती साफ हो चुकी है और ये सड़क का नजारा हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन उमेश से चाहेंगे कि जरा सड़क की तस्वीर दिखाए। कार्यकर्ता जो है वो झूम रहे हैं, यानी एक बड़ी जीत की तरफ आंसू एनडीए का ये गठजोड़ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस बात का जिक्र लगातार एनडीए के नेता या आंसू प्रमुख सुदेश महतो या चंद्रकांत चौधरी कर रहे थे कि इस बार 1.5 लाख के पार, तो उसी तरफ अब चीजें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, कार्यकर्ताओं के इस जोश और रुझान की वजह से ट्रैफिक में भी व्यवधान आ रहा है, आरती ट्रैफिक से भी लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन सड़कों पर यह उत्साह बता रहा है, ये जोश बता रहा है कि कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से जोश में है और बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस वाले को थोड़ा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जा रहा है कार्यकर्ताओं के इस उत्साह की वजह से। और लगातार हाथों में केला लेकर जीत का ये आप कह सकते हैं जश्न, आंसू का झंडा और पूरे जोश में है कार्यकर्ता जो है आंसू के है। या फिर एनडीए की बात कर ले, बीजेपी का भी थोड़ी देर पहले जयंत सिन्हा भी आए थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो लगातार सड़क पर अब आपको आरती इसी तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आएगी। पूरे पूरा जोश है, ट्रैफिक वाले हम लोगों को धक्का मुक्की कर रहे हैं। एसपी रामगढ़ जो है उनकी गाड़ी अभी पार हो रही है। कार्यकर्ताओं का पूरा उत्साह है आरती, और जाहिर तौर पर यह उत्साह होना भी चाहिए क्योंकि एक लंबे गैप के बाद एनडीए के खाते में एक जीत आई है जो है राकेश, क्या आवाज मिल रही है आपको? तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं रामगढ़ से, कैसे खुशी मना रहे हैं एनडीए कार्यकर्ता। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।